नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं B12 के बारे में आयुर्वेद का किस तरह से नजरिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी कमजोरी या कभी खून की कमी या फिर आलस वगैरह ज्यादा रहने की वजह से सारे लैब टेस्ट कराते हैं और सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, पर एक चीज की कमी आती है, वो है विटामिन B12 की। तो लोग विटामिन B12 के इंजेक्शन लेना स्टार्ट करते हैं या फिर उसके टेबलेट या कैप्सूल स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वक्त बाद भी इसका कोई सही से इलाज नहीं हो पाता है, ये आगे या बढ़ते रहता है या फिर यूं ही साइकिल चलते रहता है। तो दोस्तों, ये वास्तव में होता क्या है? B12 कम क्यों हो जाता है? इतना सारा खाना खाया है, नॉनवेज भी कुछ लोग शुरू कर देते हैं, फिर भी विटामिन B12 की कमी। तो दोस्तों, ये वास्तव में होता क्या है, यही देखते हैं। दोस्तों, जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ खाना खाता है, तो वह खाना खाने की इस नली के मार्फत से नली से होता हुआ यहाँ पर आता है। यहाँ पे जो भी विटामिन B12 का सप्लीमेंट रहता है, जैसे कि विटामिन B12 जहाँ से मिलता है, वो चीज डायटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो भी खाना होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, उसमें से मिलता है विटामिन B12। वो जो कोई भी खाना रहता है, वह खाना मुंह से लेकर के पेट में आता है। ये जो पेट है, यहाँ से जो लाइन हमने बनाई हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उतना हिस्सा उदर के भीतर कंसिडर होता है। उसके ऊपर का ये कॉलर बोन, वहां से लेकर के यहाँ फेफड़े खत्म होने तक का हिस्सा उरा, यानी कि छाती के भाग में आता है, जिसे उरा कहते हैं। नीचे का हिस्सा उदर कहते हैं। उसके बीच में एक पर्दे जैसी रचना होती है, जिसे उरह उदर पटल कहते हैं। उरह उदर का पटल, ऐसा हिंदी वर्ड आपने कहीं सुना हुआ होगा। वो जो खाना रहता है, वह ये सब पास करके जब स्टमक में आता है, अपने पेट में आता है, तो वहां पे उसका पेट में डियोडेनम जेजुनम इंटेस्टाइन, यहाँ पे वो टूटता है और सूखा जाता है। कहाँ पे? पेट, डियोडेनम जेजुनम और ये इंटेस्टाइन्स, ये जो काली लाइनें बनाई है, वो उतने हिस्से में वह कॉम्प्लेक्स चीज, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में से टूटता है, डाइजेस्ट होता है, यानी टूटता है, सरल बनता है और एब्जॉर्ब होता है, यानी यहां से सोख लिया जाता है। वो सीधा सोख लिया जाता है खून में, फिर जाता है ब्लड, यानी कि सारा मटेरियल जो टूट के सरल हो चुका है, वह खून में जाता है और फिर वहां से विटामिन B12 जमा किया जाता है लीवर में। ये सारा यहाँ पे खून की वाहिकाओं यहाँ पे रहती है। ठीक इसके पैरेलल खून की वाहिकाएं रहती है, इस अंत्रियों के पैरेलल रहती है, हाथों के करीब। ठीक है, तो जैसे ये सीधी अंदर सोख लिया जाता है, वह सीधा वापस जाता है लीवर में। ये लीवर, जिसे अक्सर आमतौर पर जिगर बोला जाता है, जिगरा कलेजा, ये होता है। ठीक है, यहां पर B12 का स्टोरेज होता है, लीवर खुद स्टोर करता है। आयुर्वेद की भाषा में लीवर यानी कि यकृत, लीवर यकृत, ये जो चीज है, वह खून का, रक्त का मूल बताया हुआ है। ठीक है, रक्त का मूल स्थान है और यही चीज, यही अंग, यही ऑर्गन अग्नि में भी अत्यंत ही सहायक रहता है। आयुर्वेद में अग्नि का स्थान गृहिणी में बताया हुआ है, यह आमाशय बताया हुआ है। यहाँ पे जो हम स्टमक बोलते हैं,
ये जो स्टमक बोलते हैं वह अक्सर आमाशय के अंतर्गत लिया जाता है। फिर आमाशय से वह जब ग्रहणी में आता है, ग्रहणी यानी ये छोटी आंत का हिस्सा। इतना हिस्सा ग्रहणी होता ठीक है। इस हिस्से में जब यहां पर एक तैल बिंदु के जितना अग्नि का आकार बताया हुआ है, यानी कि यहां से जो भी रस झरता है वह रस झरण हो करके यहां से आए हुए किसी भी खाने आदि को पचाता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट करता है। यहां पे जो भी डाइजेस्ट होता है वह आगे जाता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है। लेकिन जब यह खाना खाने के बाद भी, इतने सारे कॉम्प्लेक्स इसके कैप्सूल्स लेने के बाद, जब भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यह रहता है कि यहाँ से मटेरियल तो आ रहा है लेकिन यह ठीक से यहाँ पे पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यह टूट नहीं रहा है, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है या तो ये लिए नहीं जा रहे हैं, डाइट में ये चीज आ नहीं रही है, इसकी कमी है, या फिर अगर ये सही मात्रा में लिया जा रहा है तो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर ये डाइजेस्ट भी हो रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यह सोखा नहीं जा रहा है किसी वजह से, पत्तियों के अंदर, आंत के अंदर इसको खून में मिलना चाहिए, घुलना चाहिए, पर ये नहीं हो रहा है, तो ये एक दिक्कत की चीज हो गई। अगर ये हो रहा है फिर भी अगर इसमें कमी आ रही है तो यानी यहां पे स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसमें दिक्कत है। तो इसका क्या अर्थ होता है? अगर हम सीधा इंजेक्शन लेते हैं, सीधा इंजेक्शन लेते हैं और यदि ये सारा कुछ भरपाई हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि ये सही से काम कर रहा है, दिक्कत यहां पे कहीं है, तो ठीक उसे करना है। अगर इस तरह से देखें और यदि डेफिसिट हो जाता है, या फिर यूं कह लें कि यदि विटामिन B12 कम हो जाता है, विटामिन B12 कम हो गया तो क्या होता है? आमतौर पर खून की कमी में ये दिखता है, खून की कमी वाले लोगों को आमतौर पर विटामिन B12 लिया जाता है, वह टेस्ट करते हैं। फटीग, फटीग यानी हाथ पैर टूटना, बेवजह की थकान, या एक तरह से आलस जैसा शुरू हो जाना। और क्या होता है? जब ये सब लक्षण आते हैं फटीग के, तो उसमें सांस फूलना एक कॉमन दिक्कत आती है, बेवजह की थकान में छाती में भारीपन आदि महसूस होता है, तो सांस फूलती है, खींचनी पड़ती है ताकत लगाकर। फिर होता है मेमोरी लॉस, यानी याद नहीं रहता है, छोटी छोटी बातें बार बार भूलने की दिक्कत आने लगती है। फिर होता है इरिटेबिलिटी, यानी चिड़चिड़ापन, छोटी बात में कहीं कुछ हो गया तो गुस्सा कर दिया, किसी के साथ तुरंत ही झगड़ा कर लिया। पुअर बैलेंस यानी शरीर को संतुलित रखने में दिक्कत आती है, बदन ऐसे खड़ा है तो खड़ा नहीं रह पाते, उनको सहारे की आवश्यकता पड़ती है, वह बार बार गिरने लगते हैं। फिर आता है हेडेक या सिर दर्द, उनको यूं ही बेवजह सिर दर्द शुरू हो जाता है। अब सिर दर्द भी शुरू होने के कई सारे वजह रहती है, किंतु विटामिन की कमी एक वजह होती है। आयुर्वेद इसको किस तरह से देखेगा? अब जब भी यह दिक्कत हजम नहीं हो रही है, अगर यहां पर दिक्कत है, पथड़ियों में कहीं दिक्कत आ रही है, और अक्सर ऐसा होता ही है कि लाइफस्टाइल जो होती है या फिर खान पान जो रहता है वह इस तरह का रहता है, जिसकी वजह से पथड़ियों में या तो यह ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता,
या तो यहां पर आने के बजाय जो आवश्यक डाइजेशन यहां पे होना चाहिए, आवश्यक मटेरियल ये जो चाहिए वो नहीं ले पाते। अगर लेते हैं तो ज्यादा सोचते हैं, कम काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इसकी वजह से यहाँ पे पचता नहीं है। और ये नहीं पचने के कारण यहाँ पे जो सिक्रीशन होते हैं, स्राव वगैरह होते हैं, वो जो चीज पचा सकते हैं वो नहीं आती है, कुछ अलग आती है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आयुर्वेद इसको गृहिणी ऐसा नाम देते हैं इस स्थान को। जब ऐसे में बार बार ऐसा होने लगता है, एक बार, दो बार, चार बार, 50 बार, 60 बार ऐसा होता है, तो आयुर्वेद में इसको यह स्थान ही दूषित हो चुका है, यह स्थान ही कचरे से भर चुका है, अनावश्यक वस्तुओं से भर चुका है। तो इस शब्द को वह देखते हैं ग्रहणी दोष, ग्रहणी दोष, दोष यानी खामी युक्त, यह स्थान खामी युक्त हो चुका है। अब जब तक यह खामी या फिर दुर्गुण बोलते हैं या दिक्कत बोलते हैं उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर देते, तब तक यह जारी रहेगा। ऐसे में कितना भी डाल दो, बार बार खून की कमी या फिर बार बार थकान, बेचैनी, आलस, ये सब होने ही वाला है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इस गृहिणी दोष के क्या लक्षण होते हैं? एक तृष्णा यानी कि प्यास लगना, बार बार प्यास लगती है। आमतौर पर यह लक्षण अनदेखा किया जाता है। ठीक है, कैसे? ठीक है, हाँ प्यास तो लगती है, पानी तो पीना चाहिए, उचित है, जरूरी है, पर यह बार बार प्यास लगती रहती है। फिर होता है वैरस्य, यानी कि जो कुछ भी खाना हो उसमें विरसता आ जाती है, अच्छा नहीं लगता है, अरोचक, जैसे कि रुचि नहीं होती, खाना खाने का मन नहीं करता, अगर खाते हैं तो उसका स्वाद सही से एहसास नहीं होता। फिर आता है तमकान्वित, व्यक्ति तमक श्वास से ग्रसित है ऐसा मालूम होता है, यानी कि यह एक तमक यानी कि सांस की एक दिक्कत है, तमक श्वास, जैसे कदाचित यूं कह ले कि अस्थमा, इस तरह की कुछ प्रतीति होती है। वास्तव में यह दिक्कत गृहिणी की होती है और उसे प्रतीति होती है जैसे बार बार सांस में दिक्कत आती है, तुरंत ही, अभी हुई, ठीक हो गया, फिर से हुई, ठीक हो गया, फिर से हुई, ठीक हो गया। तो ये लक्षण और ये सांस फूलना लक्षण सामान्य हो जाते हैं। फिर आता है अस्थि पर्व रुक, यानी कि हड्डियां और जोड़ों में दर्द होता है, बदन दर्द होने लगेगा, अंग मर्द, अस्थि पर्व रुक, ये सारी चीजें भी जब होती है बार बार बिना किसी वजह के, समझ में नहीं आती, रिपोर्ट कराते हैं तो ये चीज मिलने की संभावनाएं होती है। फिर आएगा आलस्य, जब बदन दर्द करता है, जोड़ दर्द करते हैं, सांस बार बार फूलने लगती है, थकान भी वजह की होने लगती है, तो आलस होना स्वाभाविक है। बल क्षय, बेवजह की कमजोरी, थकान, तो इसको बल क्षय बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी यहाँ पे अग्नि दूषित तो हुई है, यहाँ पे उचित रूप से पाचन नहीं हो रहा है, मटेरियल या ना तो ये मिल रहा है या फिर ना ही ये डाइजेस्ट हो रहा है या टूट रहा है, अगर टूट रहा है तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो अन्य धातुएं ठीक से नहीं बनती है, जैसे कि खाना आया उसमें से आम बनता है, कदाचित आपने हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि खाना खाने के बाद आम बनता है, आम के बाद आम रस बनता है, फिर उसमें सारे उत्सेचक या एंजाइम वगैरह मिक्स होते हैं, फिर आगे जाके उसकी प्रोसेस होती है और एब्जॉर्ब होता है। जब यह आम बनता है, यह आम ही ठीक तरह से नहीं बनेगा, यदि आम ठीक तरह से बनता भी है तो बनने के बाद भी आगे बढ़कर यदि यहाँ पे ठीक से पाचित नहीं होगा उसमें से जो रस बनना चाहिए, जो खून में मिक्स होता है, खून में घुलता है, जो कि पूरे बदन को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, वही ठीक से नहीं होगा तो कमजोरी आएगी।
फिर आता है रस आदि धातु के रोग। ये जो खून की कमी हम B12 में अक्सर देखते हैं, खून की कमी जब B12 की कमी के कारण होता है तो ये थोड़ा आगे का स्टेज है, यानी कि थोड़ी आगे की दिक्कत है, यह तुरंत एकदम से नहीं आता है। जिस तरह से शुरू में ये छोटी मोटी दिक्कतें आती है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बाद जब यह दूषित मटेरियल रस धातु में मिश्रित होता है तब जाकर के पांडु रोग होता है। जब रस धातु में वह मिश्रित होने लगता है तब जाकर के वो पांडु रोग होता है। फिर वजन की कमी आती है, विटामिन B12 की कमी में वजन की कमी होना भी एक शामिल है। क्यों? क्योंकि यह रस धातु ठीक से नहीं बना है। फिर जब यह दोष, यह ग्रहणी दोष आगे जाता है यानी मूत्र में गया, तो मूत्र के रोग हो जाते हैं, जैसे कि मूत्र गंदा हो जाना, यह प्रमेह नहीं, यह अलग रोग है। मूत्र होता है जैसे कि पेन युक्त या झाग युक्त पेशाब का आना, कुक्षी में जाता है तो कुक्षी के रोग। कुक्षी का हिस्सा कितना होता है? कुक्षी यानी जो गर्भ का हिस्सा रहता है, बस्ती प्रदेश और उदर के बीच का या संगठित प्रदेश, वह कुक्षी होगा। कभी-कभार तो ये जो हिस्सा रहता है तो उसके रोग भी आएंगे। मल में आ गया, यदि मल में आ गया तो उदर के संबंधित रोग तो रोग हो जाएंगे, कुक्षी के संबंधित रोग हो जाएंगे। दोष में गया तो सारे दोष में जाएगा, सारे दोष में दिक्कत आएगी। जब रस धातु में गया तो रस धातु हृदय में रहता है, हृदय का स्थान रस धातु का भी स्थान है, तो इसकी दिक्कत भी आएगी। रस वना सोतसम हृदय मूलम, है ना? तो यह दिक्कत यहाँ पे शुरू हो जाएगी हृदय की। रस ठीक से बन रहा है, बिगड़ा है, फिर आगे फिर रक्त बिगड़ेगा तो इस यहाँ की एक दिक्कत है लीवर की। क्यों? क्योंकि यकृत रक्त का मूल है, फिर मांस, फिर मेद, मेद की दिक्कत आने लगी तो वृक्क के संबंधित दिक्कत आएगी या किडनी के संबंधित दिक्कत आएगी। तो ये सारा फिर आगे चलता जाएगा, आगे 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 की धातुओं में घुसता जाएगा, घुलता जाएगा, दिक्कतें लंबी लंबी होती जाएगी। ये जो दोष है उसकी पकड़ यहां से मिल जाती है। यदि यहीं से इसको ठीक कर लिया शुरू में, जैसे बार बार 2 बजे की प्यास लगती है, बैठे बैठे प्यास लगती है बार बार, यदि कभी किसी लगे खाना में मजा नहीं आ रहा, यूं इग्नोर कर दिया, अगर उसको ठीक नहीं किया तो ये ग्रहणी दोष आगे बढ़ता जाएगा, कमजोरी आती जाएगी, आगे के रोग में बढ़ता जाएगा। दिल की दिक्कतें शुरू हो जाएगी, मल की दिक्कतें शुरू हो जाएगी। यह ठीक से पचता नहीं है तो यह चिपचिपा या फिर अधपचा हुआ जो आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, अतड़ियों में चिपकेगा, अतड़ियों में चिपकेगा। अक्सर ये लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रुग्ण कि हाँ हमारा पेट तो सही से रोज सुबह साफ हो जाता है या दिन में एक बार हो जाता है या 2 बार सही से साफ हो जाता है, किंतु उनको ये नहीं पता रहता है कि ये पेट साफ होने तक की बात नहीं है। जो मल निकल जाता है उसके अलावा ये जो अतड़ियां है, आंत है, उसकी दीवारों के भीतर, ये आंत है उसकी दीवारों के भीतर मल यहां पे चिपका हुआ रहता है, एक लेयरिंग जैसे हो जाता है मल का, जो निकलता नहीं है। पेट साफ हो जाना एक डंपिंग ही नहीं है, ये जगह भी क्लीन हो जानी चाहिए। ये केवल बड़ी आंत के लिए नहीं, छोटी आंत के लिए भी है। छोटी आंत में
यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा, जहां से ये हिस्सा मुड़ा हुआ रहता है, जिसको डियोडेनम जेजुनम भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ये हिस्सा, इसके अंदर का कवरिंग भी क्लीन होना चाहिए, बार बार रिप्लेस होना चाहिए। फिर ये जो छोटी आंत रहती है, इसके अंदर का भी कवरिंग क्लीन होना चाहिए, उसमें सूजन वगैरह नहीं रहना चाहिए। फिर बात आती है बड़ी आंत की, उतनी ही क्लीन रहनी चाहिए, जिसके अंदर ना वायु रहना चाहिए ना ही मल का अनावश्यक अधिक मात्रा में संचय होना चाहिए। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो B12 की कमी को आयुर्वेद में हम गृहिणी दोष के समान चिकित्सा भी कर सकते हैं। यदि सुनिश्चित किया जाए कि यदि आहार सही से जा रहा है, हर तरह का आहार लिया जा रहा है उचित रूप से, तो फिर B12 की यह कमी, इसको गृहिणी दोष के साथ आप संबंधित में जोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप चिकित्सा कर सकते हैं। गृहिणी दोष के चिकित्सा में भी चक्कर आदि लक्षण शामिल है, अजीर्ण में भी चक्कर आदि लक्षण सारे शामिल हैं। यह होने के बाद, यह ठीक करने के बाद यदि ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि अभी भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो आगे जाके धातु आदि की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि आपको अभी तक कुछ समझ ना आया हो, कुछ डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम जरूर ही देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।